स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स में आपका एक इक्वेशन भी है। आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में एक वैल्यू दी हुई है, राइट? और आपको उसको यूजुअल फॉर्म मतलब, अब यहाँ एक्सपोनेंट फॉर्म है तो विदाउट एनी एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको उसको शो करना। तो कैसे शो करते हैं? 7.35 यहाँ पर डेसिमल दिया हुआ है आपको, 7.35। तो डेसिमल ओपन करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा? बीच में यहाँ डेसिमल है, ये रिमूव हुआ, क्या आ जाएगा नीचे? 1। पीछे कितने प्लेसेस है? 1, 2 प्लेसेस। और 10 की पावर -5 पॉजिटिव होगी तो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7.35। अब ये नीचे कितनी वैल्यूज हो गई, कितने जीरो हो गए? 5 ये और 2 ये, 7। 5 0 ये, 10 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 5 0 ये, 3 4 5 2 ये, टोटल कितनी हो गई? 7 हो गई। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है? तो ये कैसे वैल्यू लिखी जाएगी? 7 3 5 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद डेसिमल। इसी तरह लिखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दिया जाए 25 by 100, तो इसको कैसे लिखते हो आप? 25 by 100 को आप कैसे लिखते हो? 0.25 पीछे से काउंट करते हो, 1 2 1 2 और उसके आगे ये डेसिमल। उसी तरह ये पीछे से काउंट करते हैं, 7.35 हमने पहले लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो थी और 1 के लिए क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे, राइट? एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 7 × 10⁻⁴। 7 अकेला है, नीचे आ गई। अब 10⁻⁴ पॉजिटिव कर दिया आपने, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव। 10⁻⁴ की मतलब कितनी? 4 0 4 0 1 2 3 4 0। अब 7 पीछे से काउंट करेंगे, 7 एक प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 1 2 3 4 1 2 3 4 चार प्लेसेस हो गए और इस 1 के लिए क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।